हमारा ब्रदर लखनऊ में किडनी फेलियर में लखनऊ अपोलो में इलाज करा रहा है, इलाज चालू है, वहाँ पे हमारी मदद कीजिए, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। अभी क्या करूँ बताओ, क्या नहीं रहते सब लोग कोई। ये सीन देख रहे हैं, ये पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के अकाउंट होल्डर्स हैं, अपने ही अकाउंट से अपनी सालों की कमाई के पैसे निकाल नहीं पा रहे हैं। यही नहीं, टिल नाउ 4 पीपल हैव डाइड आउट ऑफ पैनिक एंड डिस्पेयर ड्यू टू दिस क्रेजी सिचुएशन। समवन डाइड बिकॉज वो पैसों की अनअवेलेबिलिटी की वजह से अपनी हार्ट सर्जरी नहीं करवा पाए, तो समवन हु हैड रिसेंटली लॉस्ट हिज जॉब एंड वाज सस्टेनिंग विद सेविंग्स इन हिज बैंक डाइड आउट ऑफ स्ट्रेस। सोचिए जरा, अकाउंट में पैसे हैं बट अपने ही पैसे निकाल नहीं सकते, सच अ बैड वे टू डाई, नहीं? Similarly, there are around 50,000 people who are going through this, जिनका पैसा PMC Bank में फंसा हुआ है। These people, like all of us, use this money in their accounts to buy everyday groceries, take care of medical expenses, pay school fees for their kids, and use it for other basic expenses. But ये हुआ क्या है exactly? Housing Development and Infrastructure Limited, या HDIL ने 4,355.43 करोड़ का PMC से लोन लिया, और फिर कंपनी bankrupt हो गई, बैंक के पैसे डूब गए। अब तक 5 people have been arrested and the father-son duo Rakesh and Sarang Wadhwan, the promoters of HDIL, are the two main accused in the case. लेकिन ये ऐसे ही नहीं हो गया कि किसी ने रातों रात आकर बैंक के साथ घपला कर दिया। The relationship between PMC and HDIL goes long back. Since the early days, whenever PMC was in a crisis, HDIL promoters helped PMC by making investments. This time, PMC probably returned the favor. और तो और, PMC chairman Variam Singh, who has also been arrested in this case, was earlier working as a director with HDIL. HDIL छोड़ने के बाद, Variam Singh was placed in the PMC bank reportedly because the influence Wadhwans had. The scam only came to light last month, जब पता लगा कि बैंक ने करीब 21,000 fake account बनाए हैं, some even in the names of dead people, to hide bad loans extended to almost bankrupt HDIL. मतलब यहाँ बैंक डिफॉल्टर को ही बचाने में लगा था, और एक्चुअल में जिन डिपॉजिटर्स के पैसों से बैंक बना, दे हैव बीन लेफ्ट स्ट्रैंडेड विदाउट एनी मनी। बट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड इन द कंट्री। 2001 में माधवपुरा मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक में स्कैम हुआ था, व्हेन अ स्टॉक ब्रोकर वॉकड अवे विद 70% ऑफ द मनी ऑफ द बैंक। इन द पास्ट, बैंक्स ऑफ ऑल काइंड्स हैव बीन हिट बाय फ्रॉड। अभी लास्ट पीएनबी और नीरव मोदी के स्कैम को ही देख लो, मोस्ट केसेस में डिपॉजिटर्स का पैसा नहीं अटकता। लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की अलग कहानी है, पैसा आने में या तो बहुत टाइम लगता है या फिर वो आता ही नहीं है, बैंक को लिक्विडेट कर दिया जाता है। 2001 माधवपुरा मर्सेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक स्कैम के केस में सम 45,000 डिपॉजिटर्स हैड टू वेट अंटिल लास्ट ईयर टू गेट एन एश्योरेंस दैट दे विल गेट देयर मनी बैक। और क्या आप जानते हैं, वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, अगर बैंक लिक्विडेट हो जाता है तो डिपॉजिटर्स को सिर्फ 1,00,000 रुपए मिलता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच मनी इज देयर इन द अकाउंट्स, एंड दैट इज ट्रू फॉर एनी बैंक इन द कंट्री। I had no idea about this कि बैंक के पास बस 1,00,000 पर अकाउंट का इंश्योरेंस कवर्ड होता है, till the time this picture got viral, जहां पे एक HDFC बैंक की पासबुक की पिक्चर पर स्टैंप लगा हुआ है इस रूल के बारे में, which is by RBI. I always thought money in a nationalized bank with sovereign backing would be secure, even if there is a run on the bank. But apparently it is not. बाकी काफी देशों में this value is up to ₹50,00,000 or more. But in India, क्या रूल है ये? 2004 तक इंडिया में 1926 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थे, जो कि अब घटकर 1551 रह गए हैं। दिस डिक्लाइन इन देयर नंबर्स पॉइंट्स टू द हाई रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ दीज बैंक्स। बट सवाल ये भी है कि इतने बड़े नेशनलाइज्ड बैंक्स होते हुए क्यों हम में से कुछ लोग इन कोऑपरेटिव बैंक्स में अपने पैसे रखते हैं? मोस्टली लोग इसलिए इन बैंक्स में जाते हैं बिकॉज ये काफी पुराने हैं, पुश्तों से परिवार में सभी वहीं डिपॉजिट करते आ रहे हैं, और यहाँ उनको लोकलाइज्ड पर्सनल अटेंशन भी मिलती है, विच इज काइंड ऑफ मिसिंग इन बिग कमर्शियल बैंक्स। लेकिन इस सबसे बड़ा रीजन ये है दैट दीज बैंक्स गिव बेटर इंटरेस्ट रेट्स, पर ये कोऑपरेटिव बैंक हाई रिस्क बोरोवर्स को पैसा लोन भी देते हैं। अगर इन बैंक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बेसिकली मैनेजमेंट, स्ट्रांग और स्मार्ट ना हो, जैसा कि पीएमसी के केस में हुआ, तो या तो बैंक फेल होगा या फिर कोई उसको स्कैम कर देगा। अब इसमें सरकार और रेगुलेटर, जो कि इस केस में आरबीआई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसी प्रॉब्लम्स होने से बचा सकें। एट दिस मोमेंट आरबीआई इज फेसिंग अ लॉट ऑफ फ्लैक, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इनएफिशिएंसी इन इंस्पेक्टिंग दीज स्कैम्स, बट ऑल्सो द वे द होल सिचुएशन हैज बीन हैंडल्ड। आरबीआई हैज पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द विड्रॉल लिमिट। डिपॉजिटर्स 6 महीने में 40,000 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते, बट यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट आरबीआई ने इनिशियली ये लिमिट 1,000 रुपए की रखी थी। 6 महीने में अ डिपॉजिटर कुड विड्रॉ ओनली 1,000 रुपीज, फिर ये बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई, विच वॉज रेज टू ₹25,000 एंड लेटर टू ₹40,000। बैंक्स आर फ्रेजाइल इंस्टीट्यूशंस, एंड अगर किसी बैंक की हवा खराब हो जाए, जो कि कभी कभी सिर्फ अफवाहों से भी हो जाती है, एंड डिपॉजिटर्स विदड्रॉ ऑल देयर मनी, देन द बैंक वुड कोलैप्स। इसलिए ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं।
लेकिन ऐसे डिसीजन लेने से पहले आई विश रेगुलेटर्स लोगों को होने वाली डिफिकल्टीज को भी मद्देनजर रखें। लोग रोज रोज दो दो किलोमीटर लंबी लाइन में लग रहे हैं टू विदड्रॉ देयर मनी। कुडंट देयर बी अ बेटर सिस्टम इन प्लेस? मतलब एटीएम्स को रेगुलेट नहीं किया जा सकता, उनकी लिमिट सेट नहीं करी जा सकती। अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स जो अपनी मर्जी से अकाउंट खोलते हैं, द बल्क ऑफ द डिपॉजिट्स इन कोऑपरेटिव बैंक्स कम फ्रॉम चैरिटेबल ट्रस्ट्स सच एज गुरुद्वारास, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स वगैरह, जिनके लिए कोऑपरेटिव बैंक्स में अकाउंट खोलना मैंडेटरी होता है। बैंक फेल होने पर जब इन संस्थाओं का पैसा डूबता है तो यू कैन इमेजिन इनके साथ कितने और लोग सफर करते होंगे। फ्रॉम थ्रेट्स ऑफ मास सुसाइड्स टू प्रोटेस्ट रैलीज टू राइटिंग लेटर्स टू एवरी पॉसिबल पॉलिटिशियन, बी इट पीएम, सीएम ऑफ महाराष्ट्र, द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर और द आरबीआई, डिपॉजिटर्स हैव ट्राइड एवरीथिंग बट इवन नाउ देयर इज नो क्लैरिटी। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस सेड दैट ही विल लुक इनटू दिस मैटर पोस्ट द इलेक्शंस इन द स्टेट। क्यों भाई, इलेक्शन से क्या लेना देना इस बात का? गवर्नमेंट इज सेइंग दैट द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हैज सीज्ड 88 प्रॉपर्टीज, बट इनकी प्रॉपर्टी की बात तो बाद में की जाए। दे ओन अल्ट्रा लग्जरी कार्स, प्लेन्स, यॉट्स एंड व्हाट नॉट। दिस फादर सन डुओ ओन्स अ रोल्स रॉयस फैंटम, बेंटले कॉन्टिनेंटल, अ बीएमडब्ल्यू 730 LD, अ फाल्कन 2000 एयरक्राफ्ट, ऑडी एजी, अ यॉट, टू इलेक्ट्रिक कार्स, 3 ATVs एंड अ स्पीड बोट। When banks fail in countries like Israel and the US, the authorities don't run after the defaulters, they run after their assets. Why can't we do the same in India? Auction their planes and cars and yachts immediately and give the money back to where it belongs. This crisis raises more questions than answers on the regulatory regime of the financial institutions of the country, crisis prevention and management, and the sustainability of banking architecture. Aam aadmi ke liye, it boils down to the simple question ki kahan paisa safe hai aur kahan nahi. While we as a country are aiming for larger financial inclusion and expanding base of existing banking sector, jo already account holders hain, agar unki situation secured nahi hai, toh this deserves careful thought. Let me know in the comments below what you think about the crisis. And like and share this video.